के पास। अरे वो वाला दे दो ना सर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतगणना की प्रक्रिया जारी है। बहुत सारे सीटों में कांग्रेस जो है वो आगे देखने को मिल रही है, बीजेपी पीछे चल रही है, क्या कहना है आपका? नहीं देखिए, प्राथमिक रुझान है और नगरीय निकाय की दृष्टि से 151 जगह जो गणना चल रही है उसमें प्राथमिक रुझान में बहुत जगह भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी स्थिति में है, हमारे बहुत सारे पार्षद भी जीत रहे हैं और पूरे परिणाम आने के बाद अब देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ज्यादा जीत के आएंगे और अधिकतर जगह अध्यक्ष से लेकर महापौर में भी भारतीय जनता पार्टी के बनने वाले हैं। इस बात को मैं भविष्यत कह सकता हूं और बहुत अच्छा वातावरण। एक साल कांग्रेस की जो सरकार के समय जो ये कोई विकास का काम नहीं हुआ और वर्तमान कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी एक जो नाराजगी दिख रही है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। क्या लगता है आपको कांग्रेस ने पिछले वर्ष क्या काम किए हैं, लोगों में किस तरह की है उनके उनमें रुझान किस तरह से? नहीं देखिए, कांग्रेस के खिलाफ एक साल में बड़ा नाराजगी का कारण यह है कि पिछले समय 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी उस समय नगरीय निकायों के लिए बहुत सारा फंड स्वीकृत हुए थे, उसमें करीबन पूरे प्रदेश के करीबन 800 करोड़ के आसपास की राशि थी। उस राशि को वर्तमान सरकार कांग्रेस सरकार बनने पर पूरे वापस मंगवा ली, कहीं पर विकास का काम हो नहीं रहा है। उसके साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्र में बहुत वर्षों से जो काबिज व्यक्ति थे, चाहे वो आपके आबादी भूमि में हो चाहे वहां पर अन्य जगहों में जो काबिज थे, उनको हमारी सरकार निःशुल्क आवासीय पट्टा देने वाली थी, उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। लेकिन ये सरकार बनने के बाद उनको जहां पर प्रति डिसमिल 40,000 के हिसाब से और बड़ा एक वहां भूभाटक के रूप में राशि वसूल रही है, उनको एक नोटिस भेजी जिसके चलते बड़ा नाराजगी। और दूसरा बिजली बिल में भी अप्रत्याशित रूप से बहुत बिल आने के चलते और विकास का काम भी नगरीय निकाय नगर पंचायत नगर पालिकाओं में नहीं होने के चलते एक साल का पूरा समय हुआ था उसके चलते भी बड़ा नाराजगी जनता मतदाताओं में है, जिसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। इस सरकार ने जो कांग्रेस सरकार बनने के बाद एक साल का जो कार्यकाल उनको मिला उसमें नगरीय निकाय क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय काम या बड़ा काम भी नहीं कर पाई, साफ सफाई से व्यवस्था पर भी वो ध्यान नहीं दे रही थी, इन सब बातों को लेकर बड़ा नाराजगी जनता में थी। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, परिणाम जो है वो शाम तक आ जाएंगे, क्या लगता है आपको किसके पक्ष में परिणाम आएगा? निश्चित रूप से जो परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अधिकतर नगरीय निकाय के चुनाव में हमारे पार्षद ज्यादा से ज्यादा जीत के आ रहे हैं और आने वाले हैं, उसके साथ अध्यक्ष और महापौर में भी भारतीय जनता पार्टी के बनने वाले हैं। इस बात को मैं स्पष्ट तौर से आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। तो सुना आपने, ये थी हमारी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मुसंडी से खास बातचीत, जिन्होंने हमें बताया कि जो अंतिम परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे और 2800 पार्षदों में बीजेपी ही जीत बनाएगी। कैमरा पर्सन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।